हाई सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू राइट द फंक्शन फॉर इंसर्टिंग अ स्ट्रिंग इन टू आर ट्राई ठीक है सो so मैंने अगेन सेम स्ट्रिंग्स ले ली है सेम फाइव स्ट्रिंग्स जो हम पहले यूज कर रहे थे राइट right? और जो पहली स्ट्रिंग है हेलो वो मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया नाउ वी विल सी कि अगर मुझे इसमें और स्ट्रिंग्स डालनी है तो क्या करना होगा ठीक है तो लेट्स से अगर मुझे इसमें हे डालना है अब तो मैं क्या करूँगा अपने रूट को बोल दूंगा कि यार इसमें हे डाल दो ठीक है अब रूट क्या करेगा रूट पहले चेक करेगा कि क्या मेरे चिल्ड्रन में एच आता है अगर एच आता है तो वो बस सिंपली एच को बोल देगा कि यार अपने अंदर ई वाई डाल लो अब एच आगे चेक करेगा कि क्या मेरे चिल्ड्रन में ई आता है बिल्कुल आता है तो वो ई को सिंपली बोल देगा कि वाई डाल लो ई e चेक करेगा कि क्या वाई आता है मेरे चिल्ड्रन में नहीं वाई तो नहीं आता तो वो सिंपली क्या करेगा एक चाइल्ड बना लेगा वाई का ठीक है एक चाइल्ड बना लेगा एंड वाई को बोल देगा कि यार अपने अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल लो ठीक है अब जैसे ही हमारा एम टी स्ट्रिंग आ जाया करेगा हम लोग सिंपली इतना काम करेंगे कि यार इसको टर्मिनेटिंग बना देंगे और हम लोग रिटर्न कर जाएंगे हमारा काम हो गया ठीक है अब लेट्स से हमारी अगली स्ट्रिंग आती है सम तो हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले रूट को बोल देंगे कि यार सम को डालना है हमको चलो सम डालना है तो रूट चेक करेगा कि क्या मेरे चिल्ड्रन में एस आता है एस नहीं आता उसके चिल्ड्रन में तो वो एक चाइल्ड बनाएगा एस का एंड उसमें डाल देगा ठीक है और उसको बोल देगा कि यार ओ एम ई को इंसर्ट कर लो अब एस के लिए चेक होगा कि एस का चाइल्ड है ओ नहीं है तो हमको ओ बनाना पड़ेगा इसका चाइल्ड एंड इसको बोल देंगे कि मी डाल लो क्या ओ का चाइल्ड है एम नहीं है तो एम बनाओ ई e डाल लो इसके अंदर फिर ई e बना दो और इसको बोल दो एम टी स्ट्रिंग जैसे एम टी हो जाए करेगी हम टर्मिनेटिंग बना देंगे ठीक है तो इस तरह से हमारा काम हो रहा होगा ठीक है उसके बाद क्या होगा उसके बाद हमारी अगली स्ट्रिंग आएगी सो ठीक है तो सबसे पहले हम रूट को बोल देंगे कि सो को इंसर्ट कर लो ठीक है अब रूट चेक करेगा कि क्या एस है हाँ यार एस तो ऑलरेडी है तो अब एस को बोल लेंगे कि अपने अंदर ओ को डालो, ठीक है एस का एक चाइल्ड है ओ ऑलरेडी तो इसको बोल दिया जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए एंड फिर हम लोग इसको भी टर्मिनेटिंग बना देंगे फिर लास्ट में एम ई आएगा क्या हमारे रूट का चाइल्ड है कोई एम नहीं है तो ऑब्वियसली एक एम बनेगा यहां पे ठीक है ई e के लिए पास हो जाएगा फिर इसको ई e बनाना पड़ेगा यहां पे एम टी स्ट्रिंग एंड फाइनली ये जो है ये टर्मिनेटिंग बन जाएगा ठीक है तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो जाने वाला है तो इस तरह से बेसिकली हमारा काम चल रहा होगा तो बेसिकली हमको क्या करना है कि जो हमारी पूरी स्ट्रिंग है वो अपने रूट को पास कर देनी है ठीक है अब रूट क्या करेगा वो जो पूरी स्ट्रिंग है उसका जो पहला कैरेक्टर है चेक करेगा क्या उस नाम से ऑलरेडी चाइल्ड है उसके पास अगर ऑलरेडी चाइल्ड हुआ तो वो जो पहले कैरेक्टर को छोड़ कर जो बाकी स्ट्रिंग बचेगी वो उसको पास कर देगा अगर पहले कैरेक्टर के, के कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके पास चाइल्ड नहीं हुआ तो एक नया चाइल्ड बना देगा और उसको जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है वो पास कर देगा अब करते करते अगर हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जीरो हो गई तो करंटली जिस नोड पे हैं हम लोग उसको इस टर्मिनेटिंग ट्रू कर देंगे ठीक है और ये हमारी बेस कंडीशन भी हो जाने वाली है ठीक है तो आई होप फील आ रही होगी अब रिकर्जन की तो इसमें रिकर्जन लगेगी हम क्या करेंगे सिंपली हमारे चाइल्ड को बोल देंगे कि अपने अंदर पहले कैरेक्टर को छोड़ के बाकी की स्ट्रिंग लगा दो अब वो आगे अपने चाइल्ड को बोल देगा इस तरह से काम चलता जाएगा और हम लोग ये वाला काम रिकर्जन से अचीव कर लेंगे और बेस कंडीशन क्या होगी हमारी कि जैसे ही स्ट्रिंग जीरो हो जाए की अब ये जो इंसर्ट फंक्शन बना रहा हूं ये बेसिकली हमारे यूजर के लिए होगा वो क्या करेगा हमको बेसिकली वो एक स्ट्रिंग देगा ठीक है एक वर्ड देगा एंड इसके अंदर हम लोग एक अपना इंसर्ट फंक्शन कॉल कर देंगे ठीक है एक और इंसर्ट फंक्शन लिख लेंगे लेट्स इंसर्ट वर्ड नाम से लिख लेते हैं उसको हम लोग एक तो ये वर्ड पास कर देंगे और एक रूट भी पास कर देंगे ठीक है बेसिकली जो मेरी रिकर्जन होगी वो मैं इस इंसर्ट वर्ड फंक्शन के अंदर लिखूंगा ठीक है ये जो इंसर्ट है ये हमारा यूज़र कॉल करेगा बिकॉज ऑब्वियसली वो हमको सिर्फ एक स्ट्रिंग देगा अब जो रूट है इसको जो हैंडल करना है ये तो हमें खुद करना है ठीक है तो मैं एक और फंक्शन लिख रहा हूं जिसको हम लोग वर्ड और रूट पास कर रहे हैं राइट एंड यहां पे हम लोग काउंट प्लस प्लस भी कर देंगे काउंट प्लस प्लस ठीक है और ऊपर एक फंक्शन लिख लेते हैं वॉइड insert word वर्ड ठीक है जो कि हमसे एक वर्ड मांगेगा एंड एक रूट मांगेगा दैट इज ट्राई नोड स्टार रूट ठीक है तो ये दो चीजें हमसे मांगने वाला है एंड ऑब्वियसली इसको स्ट्रिंग नहीं मिल रहा ठीक है तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं या तो हम आयो स्ट्रीम को इंक्लूड कर दें या फिर हम लोग स्ट्रिंग डॉट एच या फिर सी स्ट्रिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं ठीक है या तो आयो स्ट्रीम को इंक्लूड कर दो या फिर क्या करो हैश इंक्लूड सी स्ट्रिंग ठीक है तो उसको मिल जाएगा या स्ट्रिंग डॉट एच ठीक है तो हमने आयो स्ट्रीम इंक्लूड कर दिया दैट्स इनफ ठीक है उससे हमारा काम हो जाएगा ठीक है तो बेसिकली अब ये जो इंसर्ट वर्ड हमारा फंक्शन जो हमने खुद कॉल कर दिया है इसके अंदर हम लोग पूरी रिकॉर्जन लिखने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले बेस केस लिख लेते हैं केस में क्या हमने सोचा था कि जब हमारे जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ जो जीरो हो जाएगी दैट इज हमारे जो वर्ड की लेंथ जीरो हो जाएगी तब हम लोग टर्मिनेटिंग मार्क कर देंगे ठीक है रूट टर्मिनेटिंग इज इक्वल टू ठीक है, आई थिंक हमने इज टर्मिनेटिंग दिया था शायद इज टर्मिनेटिंग इज इक्वल टू ट्रू एंड रिटर्न भी कर जाएंगे वहां से चलो ठीक है ये हमारी हो गई बेस कंडीशन नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था हमने बोला था कि सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या उस नाम का ऑलरेडी चाइल्ड है दैट इज अ फर्स्ट कैरेक्टर उसके नाम का ऑलरेडी चाइल्ड है अगर चाइल्ड होगा तो उसको सबस्ट्रिंग हम लोग पास कर देंगे पहला करेक्टर छोड़ के अगर नहीं होगा तो एक बना देंगे उसको सबस्ट्रिंग पास कर देंगे ठीक है सो बेसिकली एक चाइल्ड नाम से एक ले लेते हैं ट्राई नोड स्टार चाइल्ड ठीक है so सो यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं इफ रूट के जो चिल्ड्रन है उसका काउंट दैट इज जो हमारा हैश मैप है वर्ड जीरो इज ग्रेटर देन जीरो चाइल्ड इज इक्वल टू रूट के जो चिल्ड्रन है वर्ड जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, ठीक है चलो एल्स एल्स क्या करना है हमको एल्स हमको एक नया नोड बना देना है ठीक है सो एल जस्ट से ट्राई नोड स्टार न्यू नोड इक्वल टू न्यू ट्राइ नोड यूजिंग वर्ड जीरो ठीक है तो एक हमारा एक नया नोड बन जाएगा तो हमारा एक न्यू नोड बन गया है ठीक है तो ये अभी हमारी वैल्यू हो जाएगी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग इन रूट चिल्ड्रन ठीक है सो रूट चिल्ड्रन वर्ड जीरो इज इक्वल टू न्यू नोड ठीक है एंड चाइल्ड इज इक्वल टू न्यू नोड ऑब्वियसली चलो अभी हमने चाइल्ड सेट कर लिया इतना करने से अभी हम लोग रिकर्जन कॉल कर देंगे इंसर्ट वर्ड वर्ड डॉट सब एस टी आर दैट इज पहला कैरेक्टर छोड़ के हमको जो बाकी की स्ट्रिंग है किसके ऊपर पास करना है चाइल्ड के ऊपर ठीक है अब रूट की जगह हम लोग चाइल्ड पास करेंगे ऑब्वियसली एंड इस तरह से हमारी वो रिकर्जन चलती जाएगी और इंसर्ट वर्ड हमारा काम करना चाहिए ठीक है सो आई होप ये चीज क्लियर है सबसे पहले हमने बेस केस लिख लिया फिर हमने चाइल्ड सेट कर दिया अकॉर्डिंगली कि क्या ऑलरेडी उसमें है या नहीं एंड फिर फाइनली हमने रिकर्जन कॉल कर दी ठीक है एंड नोट करो हमने इंसर्ट फंक्शन लिखा जो हमारा यूज़र कॉल करेगा एंड इंसर्ट वर्ड हमने उसके अंदर कॉल कर दिया हम लोग वैसे इंसर्ट वर्ड की जगह इंसर्ट भी दोबारा से लिख सकते हैं ठीक है उसमें भी कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे हम लोग ये वाला काम भी कर सकते हैं राइट right? सेम नाम से दो फंक्शन हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है वो डिफरेंट है तो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कॉल करूंगा विद टू पैरामीटर्स तो उसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि दो पैरामीटर वाले को कॉल करना है ठीक है सो आई होप ये वाली चीज क्लियर है इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू राइट फॉर डिलीटिंग अ वर्ड थैंक यू